नमस्कार, मैं हूँ रचना और आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज 18। राजधानी से इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ सीधा रुख करते हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से 2022 चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां लगातार जोरों शोरों से लगी हैं, क्या 2022 में अपना दम दिखा पाएंगी? नमस्कार, वॉइस न्यूज 18 की टीम इस समय मौजूद है सर्व समाज महासंघ जो एक रजिस्टर्ड संस्था है इसके अध्यक्ष जी के साथ, जो की सुरेंद्र वशिष्ठ जी है। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका धन्यवाद। सर, ये आप बताएं कि इस समय जो मौजूदा विधानसभा चुनाव चल रहा है आने वाला, इसमें लोग भाजपा चिल्ला रही है, सपा चिल्ला रही है, उत्तर प्रदेश में आपको क्या लगता है किसकी सत्ता आने वाली है, या सिर्फ सबके ही जुमले चलेंगे, जनता का मूड अभी कुछ पता नहीं? सबसे पहले तो मैं देशवासियों को आने वाले नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। फिर मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह आने वाले समय में कोरोना वापसी कर रहा है, आप 2 गज दूरी मास्क है जरूरी का प्रयोग करें, और पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि सच्चाई का साथ दें। हम एक सामाजिक संस्था चलाते हैं, 54 राज्यों में हम काम कर रहे हैं, और लगभग हमने जहां तक देखा है भारतीय जनता पार्टी पुनः वापसी उत्तर प्रदेश में कर रही है। क्यों लगता है पुनः वापसी का? कोई तो एक लॉजिक होना चाहिए कि वापसी के लिए, कुछ तो लॉजिक होता है। जैसे जनता का एक होता है कि हम किन सोचों पर वोट करेंगे, तो आपकी क्या सोच है भारतीय जनता पार्टी को वोट करने की? देखिए, विकास का भी मुद्दा रहा है, और दूसरा हमारा प्रदेश प्रगति की तरफ बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। योगी जी की कार्यशैली सराहनीय है, हम उसके कदम दोनों दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को प्रगति के पथ पर चलाने का कार्य किया है, और जिस तरीके से वैश्विक महामारी से हमारा प्रदेश को बचाने का काम किया है, हम समाज सेवी नहीं और सरकार नहीं, अगर कोई और सरकार अब तक होती तो उत्तर प्रदेश में त्राईमान होती। इससे पहले कोविड आया कहाँ था? भाजपा इसका क्रेडिट क्यों ले रही है? क्या पहले महामारियां नहीं आई हैं? हैजा आया, कॉलरा आया, पोलियो आई, बहुत सी महामारी पहले भी आई थी, पिछली सरकारों ने भी काम किया था, स्पेशल भाजपा को इतना क्रेडिट आप लोग क्यों देते हैं? नहीं, भाजपा को क्रेडिट देने का मतलब है सही तरीके से मानवता की दिशा में काम होना। मानवता की दिशा में काम हो रहे हैं, सरकार की सोच सही है, प्रगति के पथ पर ले जाते हुए इन्होंने कितना बड़ा खाना खवाने काम किया है, आश्रय बनाने काम किया है, लोगों को दिख रहा है कि हाँ, वास्तव में पहले से बेहतर प्रदेश हमारा बढ़ रहा है। ये हिंदुस्तान के संविधान का एक क्लॉज में है कि FSI के अंतर्गत महामारी हो या फिर कोई भी गरीबी पिछड़ी रेखा में हो या जैसा भी हो, तो ऐसे लोगों को तो भोजन देने का प्रावधान है, ये तो संविधान के अधीन पास है, तो इसमें हम लोग भारतीय जनता पार्टी को या किसी भी पार्टी को कैसे दे सकते हैं उसका श्रेय भाई? नहीं, इन लोगों ने, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी अपने स्तर से भी खाना खिलाने का, अपने रसोई चलाने काम किया ना, वो दिखा पूरे प्रदेश में। जितने भी पार्टी कार्यकर्ता हैं उन्होंने अपने स्तर से भी, सांसद रहे, विधायक रहे, उन्होंने अपने स्तर से भी अपनी रसोई चलाई है, खाना बांटा है। ये उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग जब खाना बांटने जाते तो आप लोग मुकदमे पंजीकृत कर देते थे, आप बांटे तो वाह वाह, दूसरा बांटे तो वही वही, ये कौन सी बात है? नहीं, ये तो कहने की बात है, ऐसा नहीं है। आप देश के चौथे स्तंभ हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हम सबका साथ, सबको विकास लेके चलने वाली पार्टी इस समय उत्तर प्रदेश में है, कोई दौरा नहीं है, सब इस समय खुश हैं और हमारा प्रदेश प्रगति की तरफ बढ़ रहा है, ये मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ। ये थे हमारे साथ सर्व समाज महासंघ के सुरेंद्र वशिष्ठ जी, जिन्होंने अपनी राय रखी कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से वो स्वयं खुश हैं और जनता का पूर्ण विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब आने वाले विधानसभा चुनाव में देखना होगा कि कौन सी पार्टी विधानसभा चुनाव 2022 में अपनी सहभागिता शामिल करती है। वॉइस न्यूज टीम की टीम लगातार ऐसी चीजों को कवर कर रही है। धन्यवाद।